वेलकम बैक। आज हम ड्रॉ करने वाले हैं ये वाली पोर्ट्रेट, जिसमें कि हम कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, जिसमें कि हम आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। बाकी के दो से तीन पार्ट्स में हम इसके सारे डिटेल कवर कर लेंगे, डिटेल पार्ट्स को, जिसमें कि एक हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके। हम पहले आज का जो होगा पार्ट वन होगा, जिसमें कि हम इसकी आउटलाइन के बारे में बताएंगे और इसके कैसे ड्रॉ करना है और कौन सा ऐप यूज होगा और प्रोसेस हमारा क्या होगा, कंप्लीट उसके बारे में बात करेंगे। हमने यहाँ पे पहले एक ग्रिड ऐप लिया है, जो कि प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल है। आप उसे सर्च कर सकते हैं, ग्रिड ऐप फॉर ड्राइंग, ये वाला है, आप इसे देख सकते हैं ये वाली। और इसका यूज करके हमने यहाँ पे सारे प्रोसेस को कवर कर लिया और इसमें इसी के रेफरेंस को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जिसमें कि हमारा आउटलाइन ये वाला होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पे 2x2 सेंटीमीटर्स में हम बॉक्स बनाएंगे, जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा। और इसी मार्किंग आप देख रहे हो, उसी के हिसाब से हम और डिटेल आगे बताएंगे आपको। पहले हम इसकी कंप्लीट आउटलाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, हर एक 2 सेंटीमीटर पर मार्किंग है, तो हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पर मार्क करेंगे। तो मार्जिन हम साइड से छोड़ के और 2 सेंटीमीटर पर मार्क कर लेंगे। ये हमारी वर्टिकल लाइन हो गई। अब इसकी हम हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली जो लाइन है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसलिए भी हम इस लाइन पे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मार्क करेंगे। अब इसमें अब आती है मार्किंग की, कि हम कौन सा बॉक्स कहाँ पे रखे और इसकी प्रोसेस क्या होगी, कहाँ पे से हम स्टार्ट करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम नंबरिंग ना अगर हो तो हम मिस कर जाएं कि इस वाले बॉक्स को यहाँ ड्रॉ कर दें। तो उससे बचने के लिए हम यहाँ पे पहले मार्किंग कर लेते हैं। आप इस ऐप में पूरे कंप्लीट बॉक्स या फिर साइड वाले में भी ड्रॉ कर सकते हैं नंबर। तो यहाँ पर हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। अब मेन जो पार्ट हमारा ड्रॉ करने का, वो शुरू करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इसे 2x2 के स्केल में फिक्स कर लिया है। तो हमारा ये बॉक्स का शेप है, कंप्लीट शेप यहाँ पे भी है। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि अगर हम कहीं पे नहीं ड्रॉ कर पाते हैं तो हम मेजरिंग टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं, आपको हम आगे बता देंगे। जैसे हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, आप चाहे तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट आप अपने हिसाब से वो स्पेस चुन सकते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, ड्रॉ करेंगे तो इधर से हमारा 3 वाला हो जाएगा और इधर से 4 वाली हो जाएगी। तो ये बॉक्स हमने चूज किया फर्स्टली, तो इस बॉक्स में हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आधे से ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ तक का हमने। अगर आपको और ज़्यादा डिटेलिंग में जाना हो तो आप डायगोनल वाला भी यूज कर सकते हैं, तो वो और डिटेल में आपको इजीली ड्रॉ कर पाएंगे और ज़्यादा एक्यूरेट प्रोपोर्शन हमारा आउटलाइन होगा। तो हमने डायगोनल को सेलेक्ट करी, 2 सेंटीमीटर की 3x3 बॉक्स हो गई। ये इसी बॉक्स में हमें ड्रॉ करना है। जिस बॉक्स को हमें यहाँ पे चूज करा है हमने, उसी बॉक्स को यहाँ चूज करके हम उसे ड्रॉ करेंगे। तो ये वाली यहाँ से स्टार्ट है, इस तरह से हमने ड्रॉ करना। हमें बस उसी बॉक्स ऑब्जर्व करना है जो बॉक्स हम फिलहाल में ड्रॉ कर रहे हैं। आप चाहे तो इस तरह से मेजरिंग टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ से और ये वाली डिस्टेंस अप्रॉक्स इतनी है। हाँ, ये अब हम 3x3 बॉक्स में हैं, इस वाले बॉक्स में, जिसमें कि हमारा आईब्रो है। तो वो वाला पार्ट देख लेते हैं। पहले आउटलाइन ड्रॉ करने का ये हमारा मेन मोटो होगा, कि इस रेफरेंस लाइन, ये पॉइंट से हम कितना डिस्टेंस इधर, कितना डिस्टेंस इधर फिगर है, उसकी आउटलाइन को ड्रॉ करना। तो हम यहाँ पे इस तरह से ये वाला आईब्रो का हेयर लाइंस हमने ड्रॉ कर लिया। और डिटेलिंग हम करेंगे, पहले हल्की डिटेलिंग कर लेते हैं, जो कि एक रेफरेंस हमारा दे देगा आउटलाइन का। ये वाली आई हो जाएगी, फिर ये हमारा आईब्रो का पार्ट हो जाएगा। इस तरह से हम कंप्लीट
अब हम इसकी सेकंड आई पे आते हैं, ये हमारी सेकंड आई हो जाएगी। आप यहाँ पे 4x4 बॉक्स में देख सकते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक का हमारा नोज हो जाएगा और ये एरिया हमारी हो जाएगी आई की। तो आप चाहे तो मेजर भी कर सकते हैं अप्रॉक्स इतना, यहाँ से हमारा ऐसे आई दिया हुआ। मेन हमारा ड्राइंग का आउटलाइन ड्रॉ करने का मोटो होता है कि हम प्रोपोर्शन राइट रखें, ताकि जब भी हम आगे ड्रॉ करें तो वो हमारी ड्राइंग एकदम एक्यूरेट हो, क्योंकि यहीं से हमारी अब जितनी ज़्यादा अच्छी प्रोपोर्शन होगी उतनी ज़्यादा अच्छी ड्राइंग होगी। और यहाँ ये हमारा आउटर पार्ट हो जाएगा और ये आई हो जाएगी। और ये हमारा डार्क वाला ये जो एरिया था वो वाला हो जाएगा। आईब्रो के लिए जो स्पेस हमने छोड़ा है उसको भी इजीली हम ऐसे आई सेकंड आई जो थी वो भी हो गया। हमें बस फोकस इसी पे करना है कि हम कितना ज़्यादा एक्यूरेट आउटलाइन फ़िलहाल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि मेन अभी हमारा आउटलाइन ही है। आउटलाइन जैसे जैसे ड्रॉ होते जाएगा ड्राइंग की और ये प्रोपोर्शन राइट होते जाएगी और अच्छा हमारा कंप्लीट जो रिजल्ट होगा वो फाइनल वाला वो काफ़ी सही नहीं। ड्रॉ कर लिया, अब नोज पे आते हैं। तो नोज आप देख सकते हैं ये इसी बॉक्स में, इसमें इसमें और इसमें है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आई थिंक हाफ है, तो हाफ पे हम मार्क कर लेते हैं। और ये वाला आप इस पॉइंट से भी या फिर इस आई के पार्ट से भी रेफरेंस ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का। और ये हमारी हो जाएगी, ये इस तरह से हमने ड्रॉ किया। तो हम यहाँ से वीडियो को फास्ट कर देते हैं ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ सीख सके, और वीडियो ज़्यादा फास्ट नहीं होगा, नॉर्मल होगा, ताकि हर एक पार्ट को आप इजीली ऑब्जर्व कर सके कि हम कौन सा पार्ट कितना डिटेलिंग में ड्रॉ कर रहे हैं और उसे कवर कर रहे हैं, कौन से बॉक्स से कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से वीडियो हम थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। Yeah.
तरह से हमने कंप्लीट ये आउटलाइन ड्रॉ कर लिया है। ये हमारी कंप्लीट आउटलाइन होगी, जिसमें कि ये हमारा पार्ट वन होगा। इसके सेकंड पार्ट में इसके बाकी के पार्ट्स को हम हाइपर रियलिस्टिक फॉर्म में ड्रॉ करेंगे और स्टेप बाय स्टेप रेगुलर पार्ट्स में हम इसको बताते रहेंगे कि हमारा शेडिंग का प्रोसेस क्या होगा और कंप्लीट प्रोसेस क्या होगा ड्राइंग करने का। तो ये आज का पार्ट वन हो गया, जिसमें कि हमने आउटलाइन ड्रॉ किया है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इसकी जो अगली पार्ट हम ड्रॉ करें तो आपको इजीली नोटिफाई हो सके और आप उस पार्ट्स को ड्रॉ कर सके और शेडिंग का जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता चल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।